बॉलीवुड की फेमस सिंगर नेहा कक्कड़ अपने पति रोहनप्रीत सिंह के साथ बेहद खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। बीते पिछले साल 2020 में 24 अक्टूबर के दिन नेहा और रोहनप्रीत शादी के बंधन में बंधे थे। ये क्यूट सा कपल सोशल मीडिया पर अपनी रोमांटिक तस्वीरें और वीडियोस शेयर करते हुए नजर आता है और एक दूसरे पर भरपूर प्यार लुटाते हुए भी देखे जाते हैं। जहां एक ओर नेहा की शादी को 4 महीने हो चुके हैं, तो वहीं अब इसी बीच नेहा कक्कड़ के एक्स बॉयफ्रेंड और बॉलीवुड एक्टर हिमांश कोहली से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि एक वक्त ऐसा भी था जब नेहा हिमांश कोहली के साथ रिश्ते में थी, लेकिन जब दोनों का ब्रेकअप हुआ तो नेहा अंदर से बुरी तरह से टूट गई थी। वहीं नेहा की शादी के बाद अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल पेज वहीं शादी के बाद एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें ये दावा किया गया था कि हिमांश कोहली ने नेहा से माफ़ी मांगी है, लेकिन अब हिमांश कोहली ने चुप्पी तोड़ दी है। हिमांश कोहली ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो को शेयर किया और उसे गलत बताया था। हिमांश कोहली ने इसी बीच एक बड़ा खुलासा किया है। हिमांश कोहली ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि उनके गुस्से को किस तरह से भड़काया गया, साथ ही किस तरह से उन्हें एक विलन बना दिया गया था। हिमांश ने बताया कि मुझे हैरानी हुई थी कि जब इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, मैं सोच रहा था कि इन सारी बकवास बातों से किसे फायदा हो रहा था। हिमांश ने आगे ये भी कहा कि मुझे और बातों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मेरे परिवार या बहन के बारे में लोग गलत बातें कहते हैं, मुझे परेशानी होती है। अगर मेरी लाइफ में कोई लड़की आती है तो ये मेरा फैसला है, अगर जाती है तो ये मेरा डिसीजन है, इससे मेरे पेरेंट्स का कुछ लेना देना नहीं है, उनका मेरी पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं है। सोशल मीडिया पर जो कुछ भी होता है उससे उनको फर्क नहीं पड़ता और ना ही वो इन बातों पर ध्यान देते हैं। मैं सच में उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो कमेंट करते हैं, भाई नेहू की शादी हो गई, मुझे पता है, मैं दोनों के लिए बहुत ही खुश हूँ, मैं अपने लिए बहुत खुश हूँ, मैं स्ट्रॉलिंग से परेशान हो गया हूँ। और इस तरह से हिमांश कोहली ने अपने गुस्से को जाहिर किया। सोशल मीडिया पर जो लोग उन्हें ट्रॉल करते हैं, सोशल मीडिया पर जिस तरह से हिमांश कोहली के बारे में दावे किए जा रहे थे, उसको लेकर हिमांश कोहली ने चुप्पी तोड़ी और अपने गुस्से को भी जाहिर किया। वेल, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि साल 2018 में हिमांश और नेहा का ब्रेकअप हुआ था और दोनों एक दूसरे को तकरीबन 4 साल तक डेट किए थे, लेकिन दोनों के ब्रेकअप की खबर जैसे ही सामने आई तो फैंस को भी एक बड़ा झटका लगा। फिलहाल नेहा अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ चुकी हैं, तो वहीं हिमांश कोहली भी अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ चुके हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।